शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरी इस कठिन साधना से आज चंद्र ग्रहण होकर रहेगा। मारना चाहते हो ना, तो मार दो, क्योंकि आज जो तुमने मेरे और मेरे परिवार के साथ किया है, उसके बाद हमारी जिंदगी मौत से भी बदतर होने वाली है। पर तुम्हें क्या, किसी की इज्जत, किसी की खुशी, यहाँ तक कि किसी की जिंदगी की भी कोई परवाह नहीं। परवाह नहीं होती तो हम तुम्हें बचाते क्यों? दुर्भाग्य है हमारा कि हम तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए चले आए, वो भी अपने विवाह की तैयारियां छोड़कर। अरे दुर्भाग्य तो उस लड़की के होगे जिससे तुम विवाह करोगे। जो सिर्फ औरतों का अपमान करना जानता हो, वो अपनी पत्नी को क्या सम्मान दे पाएगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी परवरिश की है। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छी परवरिश ही नहीं दी। शायद तुम्हारी माँ तुम्हें ये सिखाना ही भूल गई कि इज्जत क्या होती है, आदर सम्मान क्या होता है, इंसानियत क्या होती है और संस्कार क्या होते हैं। बड़ा दुख हो रहा है ये जानकर कि कैसी परवरिश दी है उन्होंने तुम्हें। ए लड़की, लड़की! क्या हुआ, निशाना चूक गया? अधिराज का निशाना कभी चूकता नहीं, और अधिराज अपनी माँ के खिलाफ को सुनता नहीं। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, मेरी दुनिया है, मेरा भगवान है, और तुमने मेरी माँ की परवरिश पर उंगली उठाई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं क्या, मेरी जगह कोई और भी होता तो यही कहता, क्योंकि बच्चों का व्यवहार ही दर्शाता है कि उसके माता पिता ने उसे कैसे संस्कार दिए। सुने ना बेटी, कहाँ हो? सुने ना दीदी, कहाँ हो तुम? दीदी, हे अम्बे माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही है तुम? किस बात का दंड दे रही है तुम मेरी बच्ची को? माँ रक्षा करना, मेरी बच्ची की रक्षा करना माँ। नानी, मौसम बहुत बिगड़ रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, चंद्रलेखा हार नहीं मान सकती। चंद्र ग्रहण तो आज होकर रहेगा। माँ का नाम अपनी जुबान पे कभी मत लेना। तुम जानती ही क्या हो हमारी माँ के बारे में?
हमारे दिन का आरंभ और अंत हमारी माँ से होता है। हमारी जान उनमें बसती और उनकी हम में। सबकी माँ अच्छी होती है, पर हमारी माँ महान है। और रही बात उनकी परवरिश की, तो उसे समझना तुम जैसे मामूली लोगों की क्षमता ही नहीं। उन्होंने हमें सब कुछ दिया, ढेर सारा प्यार दिया, सारी सुख सुविधाएं दी, ऐसे संस्कार दिए कि उनके चरणों में हमें सारा संसार दिखाई देता है। और तुम हमारे ही सामने हमारी माँ के परवरिश पर उंगली उठा रही, क्या उनकी परवरिश का ही असर है कि हम तुम्हें बचाने आज यहाँ चले आए? मान लिया, बहुत कुछ दिया है तुम्हारी माँ ने तुमको, पर तुम भी ये बात मान लो, इंसानियत सिखाना भूल गई वो तुमको। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहा ना कि हम अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तुम्हें दिखा दे कि हमारी माँ के खिलाफ गलत बोलने वालों का हम क्या हाल करते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि मैंने जो कुछ भी कहा है सच कहा है, समझे? तुम में ना तो इंसानियत है और ना ही तुम इंसान कहलाने के लायक हो। इंसानियत नहीं दिखाई दे रही ना तुम्हें हमारी, अब हम तुम्हें दिखाते हैं शैतान बनकर। शैतान हो तुम, भगवान ना करे अगले 7 जन्मों तक तुम जैसों का सामना हो मेरा। क्या, 7 जन्मों तक? ठीक है, अब तुम देखना हम तुम्हारी ये इच्छा कैसे पूरी करते हैं। ये वही शुभ मुहूर्त है जिसमें सुनैना बिटिया का विवाह होने वाला। ये विशिष्ट मुहूर्त तो आ गया, पर सुनैना बिटिया की मांग नहीं भर पाई। कुछ कुछ हुआ है जरूर जो नहीं होना चाहिए था। हे अम्बे माँ, पता नहीं मेरी सुनैना के भाग में क्या लिखा है। उसकी रक्षा करो माँ, उसकी रक्षा करो माँ, उसकी रक्षा करो। बरसात में हम चमगादड़ उड़ नहीं सकते, वरना अभी ये सब रोक लेते। ये नहीं हो सकता, मुझे इस मुहूर्त में चंद्र ग्रहण चाहिए था। मैं असफल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। दिखाई। आह, क्या कहा था तुमने कि हमारे साथ जिस लड़की का विवाह होगा वो सबसे दुर्भाग्यशाली लड़की होगी, है ना? देख लो खुद को, वो दुर्भाग्यशाली लड़की और कोई नहीं, तुम हो।